दोस्तों गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो कि हर चीज को धरती की सतह से बांध कर रखता है, मतलब कि इसी की वजह से ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। लेकिन दोस्तों धरती पर ही कई सारे ऐसे जगह भी हैं जहां पर ग्रेविटी बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाती है, और इसी वजह से उन जगहों पर अजीब अजीब तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम अपने आसपास जमीन की तरफ ज्यादा झुक जाएं तो फिर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही अगर हम उन जगहों पर करते हैं जहां पर ग्रेविटी कम है या फिर एकदम ही नहीं है, तो ऐसे जगहों पर गिरने की बजाय हम हवा में लटक जाएंगे। और इस तरह की एक्टिविटी शायद आप अपने टीवी स्क्रीन पर एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी होते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम अपने धरती पर ही मौजूद कुछ ऐसे जगहों के बारे में बात करेंगे जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। जैसे कि सबसे पहले मिस्ट्री स्पॉट सांता क्रूज कैलिफोर्निया। दरअसल इस जगह को सर्वेयर्स के द्वारा 1939 में खोजा गया था। हालांकि जब तक इस जगह की सही से जांच नहीं हो गई तब तक सभी को यही लगता था कि इस जगह पर कुछ अलग ताकतें काम करती हैं, और लोग भी यहां पर जाने से अपने आप को रोकते थे। लेकिन जब साइंस की मदद से इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश की गई तब यह पता लगा कि ऐसा यहां पर 150 स्क्वायर फीट के गोलाकार क्षेत्र में देखने को मिलता है, और यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के अनियमितता की वजह से पानी का ऊपर की तरफ बहना, मैग्नेटिक कंपास का अजीब तरीके से काम करना और चीजों के आकार में बदलाव के तरह ही कई सारे अजीब घटनाएं देखी जा सकती हैं। और यहां पर आप बिना गिरे हुए एक एंगल पर भी खड़े हो सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह से धरती पर दूसरी जगह भी है जो कि मिशिगन के सेंट एंगास नाम की जगह पर स्थित है। दरअसल यह जगह कुछ इस तरह से मिली थी कि जमीन का सर्वे करने वाले लोग जब सेंट एंगास नाम के शहर में पहुंचे तब वहां के एक जगह पर उनके मशीन्स काम करने बंद कर दिए, और कुछ उपकरण तो अजीब अजीब तरह के डेटा भी देने लगे थे। हालांकि इस बात से तुरंत के लिए लोग तो हैरान हो गए, लेकिन अच्छे से जब इस एरिया का उन्होंने सर्वे किया तो यह पाया कि ऐसी अजीब घटना सिर्फ 300 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में ही हो रही है। और दोस्तों इस जगह पर यह भी देखा गया है कि जानवर भी इस एरिया में घुसने से कतराते थे, और यहाँ पर आप बिना गिरे हुए दीवार पर खड़े रहने, कुर्सी को सिर्फ दो पैरों पर रखकर बैठने की तरह ही कई सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा यूएस के रैपिड सिटी के एक जगह पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। दरअसल इस जगह पर चलते हुए आपको कुछ पेड़ दिखाई दे जाएंगे जो कि रहस्यमय तरीके से इस मिस्ट्री एरिया की तरफ झुके हुए हैं, और यहाँ भी आपको वैसा ही सब कुछ देखने को मिल जाता है जैसा कि ग्रेविटी फोर्स के न रहने पर होता है। साथ ही स्पूक हिल फ्लोरिडा में भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही गाड़ियां अपने आप ही पहाड़ के ऊपर की तरफ खींची चली जाती हैं। मतलब कि अगर आप यहां पर अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर दें तो फिर अपने आप ही गाड़ी पहाड़ की तरफ खींची चली जाएगी। और दोस्तों अभी तक जिन जिन मिस्ट्री स्पॉट्स के बारे में हमने बात की है वो तो दूसरे देशों के हैं, लेकिन शायद आपको यह बात जानकर के हैरानी हो कि भारत के अंदर भी लेह के पास स्थित मैग्नेटिक हिल भी कम गुरुत्वाकर्षण के लिए जाना जाता है। और श्रीनगर और लेह जाने वाले इस एरिया में आप साफ तौर पर पहाड़ियों वाले रास्ते देख सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर अगर आप अपने गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं और न्यूट्रल में रखते हैं तो फिर गाड़ी धीरे धीरे हिलना शुरू कर देती है, और यह भी हो सकता है कि गाड़ी आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ऊंचाई की तरफ भी बढ़ने लग जाए। और दोस्तों मैग्नेटिक हिल के ऊपर से अगर कोई विमान भी उड़ाया जाता है तो ऐसा करने पर कई सारे पायलट ने यह दावा किया कि विमान के गुजरते वक्त उसमें हल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ के लोग अभी भी इसे चमत्कार ही मानते हैं, लेकिन साइंस का साफ साफ कहना है कि पहाड़ में चुंबकीय शक्ति होने की वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों यह थे पूरे दुनिया में स्थित कुछ ऐसे मिस्ट्री स्पॉट्स जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काफी अनियमित होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।